जनरल सकत्र कहिंदा मैं शहरी हाँ यूथ अकाली दल का, वो सानू अकाली दल दे डरावे दे रहा भी मैं अकाली दल की सरकार आने ते इन्हां बंदियां ते परचे कराऊंगा तो तुहानू ग्राउंड इह जिहड़ी बना के दूंगा, उधरली ग्राउंड जिहड़ी मैं बहा दूंगा। जिहड़ी ग्राउंड च के तीन पिंड खेलदे आ उस ग्राउंड की मानता रद्द करा के उन्होंने शामलाट बनाने के चक्कर चा, और जी ग्राउंड बनानी चाहते आ उस ग्राउंड में अपने निजी तौर पर वरतन लिये एक साल या दो साल बच्चों को खिलाने उस तो बाद बच्चे भी दड़ा देंगे उतों, तो उन्होंने अपने निजी मोटिव लिये वरतनी है। ये जी ग्राउंड है अपने नहरू युवक केंद्र राही रजिस्टर्ड करवाई थी, डीसी सरदार मनोहर सिंह निग्गा से उन्होंने यदा इंतकाल जरा जमीन का बतौर ग्राउंड कराता जी माल महकमे फर्ज जी मैं अपने तौर पर वीडियो साहब ने भी देती है वो गलत मुद्दा उधर बना रहे हैं जी। जे बंदे छिदड़ी आ उठ के अज एक ग्राउंड बना चाहते थी तो होर वो बाई योग बहुत रहे हैं आप भाई पंद्रह सोलह साल तो मैं होर वो बाई अजमेर जी बोली हुई है। कई बंदियां ने दो धिरां बना के मुंडियां नूं आपस च पाड़ दिता, हालांकि जिहड़ी अज नवीं ग्राउंड की इशू कांड है यार सारे प्लेयर इत्थे साडे नाल खेडदे रहे आ, अठ साल असीं पिंड दे सहयोग नाल असीं खुद टूरनामेंट कराए आ, जिन्ने बंदे अज उत्थे विवाद कांड है आ सारे साडी ग्राउंड की स्टेज के उत्ते असीं सन्मानित भी कीते आ, इत्मान भी कीता, साडा उन्होंने सहयोग भी कीता है, पर अज दे टाइम दे विच इह इस ग्राउंड नूं बहाई दे तौर ते बहा के तिन्नां पिंडां दा फ्यूचर खराब कर दिया। नाले ग्राउंड पिंड च एक ही छुट्टी होंदी है जी, हाँ जी, दो नहीं छुट्टी होंदी है, ठीक है, एक पिंड च कभी भी दो ग्राउंडा नहीं छुट्टिया, ठीक है ठीक, किसी पिंड च भी जाके देख लो एक ही ग्राउंड छुट्टी है। तुहाडा कहण दा भाव है जी पिंड दा माहौल खराब किया जा रहा है? हाँ पिंड दा माहौल खराब है, एवं पार्टीबाजी बनाउण दा कोई फायदा नहीं। पब्लिक स्पोर्ट न्यूज़ फोक्स दे रहे सारे ही दर्शकों का मेरे वालों जानी परशोत्तम खालसा वालों निघा स्वागत है जी। अज असी पहुंचे हाँ जी पिंड दसूहा दे बिल्कुल लागे पिंड पैंदा हैगा चिंगड़ खुरद, जिथे एक ग्राउंड का झगड़ा जां तां हैगा जां बनाया जा रहा है, इस बारे ज़्यादा जानकारी असी पिंड दे मौजूदा सरपंच और पतवत सज्जना कोलों लैने हाँ। आओ जी सरपंच साहब, सत श्रीकाल जी। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी। सरपंच साहब की ये ग्राउंड का झगड़ा हैगा और क्यों बनाया जा रहा है? सारे ये गल आ अपने जेडे ग्राउंड आ यह 30 साल पुरानी ग्राउंड आ, जिन्हें भी उधर जाके हुण मुद्दा बना रहे वो साडी जिहड़ी आ एग्रीकल्चर लैंड खेतीबाड़ी वास्ते वो हर साल बोली से चढ़ती आ, तो यह दो साल तो इन्हां ने पहले बोली तो लै ली, इन्हां ने बोली तो लैके तो फिर यह कहिंदे भी आपां चलो खेड लैने इत्थे, तो ग्राउंड में इन्हां नूं कहा भी ग्राउंड उधर हैगी तुसीं उधर खेडो, उधर ये खेडण नूं तैयार नहीं, कहिंदे चलो अहीं इत्थे लागे खेड लैने आ, ठीक है। तो बाकी ये जी ग्राउंड आ ये 30 साल पुरानी ग्राउंड आ, वह हर साल ठेके से चढ़ती आ, तो आप रिकॉर्ड आ सारा कुछ वीडियो साहब को रिकॉर्ड पिया उस ग्राउंड का, वीडियो साहब को रिकॉर्ड पिया आ, जे वो ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड वीडियो साहब तो तुम लैके चैक कर सकते हैं भी ये बोली तो चढ़ती है ठेके से चढ़ती है या कि एक ग्राउंड आ। सरपंच साहब जो तुसी बोली उतो उत्थे हुई सी तो उस टाइम तो उन्होंने तुहानू कहा सी कि असी ये ग्राउंड बनाउणी जां असी वाउण वास्ते लैणी हैगी? नहीं उस टाइम कुछ नहीं किया इन्होंने, तो फिर वो क्यों इस तरह का धक्का कर रहे हैं? वो जी एक साडे अपने हैगा आ हरिंदर सिंह सनी आ, वो जिहड़ा अपने आप नूं यूथ अकाली दल जनरल सकत्र कहिंदा मैं शहरी हाँ यूथ अकाली दल का, वो सानू अकाली दल दे डरावे दे रहा भी मैं अकाली दल की सरकार आउण ते इन्हां बंदियां ते परचे कराऊंगा तो तुहानू ग्राउंड इह जिहड़ी बना के दूंगा, उधरली ग्राउंड जी मैं बहा दूंगा, ठीक है जी। किन्ने ते वो बोली तो चढ़ी जी वो जी जमीन हैगी जी? वो जी जी हुण आपां एससी वास्ते 13 कनाल मौके ते जमीन आ, ठीक है जी, वो 13 कनाल दे विचों 5 कनाल जी कैलकुलेशन दे हिसाब नाल ही एससी वास्ते रिजर्व करती है, ठीक है, ते बाकी जी 8 कनाल की बोली आ वो जनरल दे विच दित्ती गई आ, वो जनरल दे विच बोली आ मनदीप सिंह दे नाम ते, मनदीप सिंह तां सुच्चा सिंह बोली दे रहे सीगे, मनदीप सिंह दे नाम ते 21,700 दे विच वो कट्टी गई आ, ते वो जदों के मनदीप सिंह दे नाम ते बोली कट दित्ती आ मुड़ के एससी भाईचारे वाली जिहड़ी रिजर्व कीती सीगी वो आपां उहदी बोली लगे कराउण, एक भाई साडे एससी ने बोली दित्ती आ ते मुड़ के जिहड़े दूसरे बंदे सीगे वो उठ के तां बाइकाट कर गए। सरपंच साहब तुसीं हुण प्रशासन तों की मंग करदे जी? असीं प्रशासन तों इह मंग करदे आ कि वो जिहड़ी बाई योग जमीन आ उहनूं ग्राउंड ना बनाया जावे, इह ग्राउंड दा मुद्दा इह
एक बार पोल गड के फोटो खिंच लिया हूँ ग्राउंड का मुद्दा है। बाकी रविदासिया भाईचारा जातिवाद का यह इशू बना रहे हैं। मैं सारे का पिंड का सरपंच हाँ, मैंने सारे पिंड ने वोटा पाइया, ठीक है, एस सी ने भी पाइया, जनरल ने भी पाइया, सब ने वोटा मैंने पा के जताया, मेरे लिए सारे एक ही आ। मैं इन्हों कहना भी ग्राउंड उधर वरतो, जो कोई कहें भी इधर लड़ाई झगड़ा होंगे, बाकी आ इन्ने बंदे खड़े आ भावें आ तो सरपंच साहब अं बुलाए अं क्या, जो कोई लड़ाई झगड़ा होंगे तो यह सरपंच साहब तो भी तुम पूछ सकते भी इतने किन्ने लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, साढ़े ना कि पिंड के सरपंच साहब ने यह पिंड सत्या जी सत्या पिंड भावें लागे पिंड पैदा है, तुम की कहना चाहोगे इस विवाद बारे? विवाद तो बेमुद्दा ही आ। अच्छा जी, ठीक है, इहदा मुल तां कोई नहीं गा, जिहड़ी ग्राउंड पहला 30 साल चलती आ रही है उहनूं वरतण, बच्चे भैण भरा सारे जातिवाद नूं ना लैण, ते जो मौजूदा पहला तो ग्राउंड 30 साल तो हैगी आ रजिस्टर्ड उहनूं वरतण, उहनूं इह ना ही मुद्दा बनाउण वी इह ग्राउंड आ, जिहदा एग्रीकल्चर जमीन हैगी आ उहनूं उसे तौर ते रहण देण। सरपंच साहब देखिया कि जदों चोणां आउंदियां उदों ही पिंडां दे विच इदां दे मुद्दे उठदे हैगे आ, इह की कारण हैगा? देखो इह तां पोलीटिकल स्टंट हैगे, इहनां बारे आपां ज्यादा नहीं विषय ते चर्चा कर सकते हैं ना, ये तो मुद्दों का तुहानूं भी पता हैगा, ठीक है, तो सारी जिन्नी क जनता वोटर हैगी उहनूं सारिआं नूं पता हैगा भी की हुंदा ते की नहीं हुंदा। तुसीं लागले पिंड दे सरपंच होण दे नाते की कहना चाहोगे जी इह सारे? मैं तां इह कहिंदा भी जिहड़ा छोटा भाईचारा उहनूं वधाओ वधाओ, ठीक है, छोटे नूं भी बराबर समझो, नशियां तो रहत होवो ते भाईचारा वधा के एक दूजे की सांझ वधावो, जिथे कोई हैगा उहदे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चलो, ना कि लड़ाइयां वल दे पासे नूं जावो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते साडे नाल मौजूद ने जी पिंड दे कुछ वसनीक जिन्हां ने बोली दित्ती है, आओ इन्हां दे नाल असीं गल्लबात करदे हां। भाजी की नाम जी तुहाडा? साहिल जी। साहिल जी, तुसीं जो बोली दित्ती हैगी उस बारे की कहना चाहोगे जी? ऐसी का ऐसी जिहड़ी जमीन आ जी पंचायत दी, उहदी मैं बोली दित्ती 5 कनाल दी, उहदे विच रुकावट पाउंदे आ 5-7 बंदे। अच्छा जी, 5-7 बंदे विच रुकावट पा रहे आ। अच्छा, तुसीं बोली दित्ती, तुसीं की करना उत्थे जी? मैं ही उत्थे अपनी पैली वाहनी, साडे कोल अपनी पैली है नहीं गी। अच्छा अच्छा जी, तुहाडा अपना है नहीं पैली, उह लै के तुसीं अपना उत्थे कोई करना चाहुंदे जी? हां जी, उत्थे अपना कुछ बनाउणा चाहुंदा आ, डंगर डुंगर रखिआ सी, गां गू रखिआ उहदे पट्ठे पाउणे। ठीक है ठीक है जी। इत्थे साडे नाल पिंड दे होर वी कुछ वसनीक हन, आलो आओ असीं उहनां दे नाल वी गल्लबात करदे हां। भाजी सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल। की नाम भाजी अपना जी? मेरा नाम मनदीप सिंह आ, बासी पिंड झिंगड़ खुरदा जी मैं। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਬੋਲੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕਟਾਈ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਲੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਹੁਣ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਲੀ ਉਹ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ? ਭਾਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਬਾਜੀ ਆ, ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਵਗਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਲ ਖੰਡ ਨਿਆਣੇ ਖੇਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿ 3 ਪਿੰਡ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੜਾ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ 1 ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ 1/2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ BDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ।
इतने साढ़े छोटे छोटे बच्चे भी ने आओ उन्होंने गलबात करते हैं। बेटे की नाम अपना? परमवीर सिंह। हाँ परमवीर सिंह, कि पिंड है अपना? साडा खुनखुन खुर्द। खुनखुन खुर्द तो यह बच्चा इतने खेड आया, तुम्हें यह ग्राउंड चंगी लगती है? हाँ जी, ये बहुत पुरानी ग्राउंड है। अच्छा, आप इतने खेड आई दा? यह पुरानी ग्राउंड है, तुम इतने खेड आए जी? इतने सारे बच्चों में तुम्हारा दिल लगता है ना? हाँ जी। तो हूँ पता लगा इतने दो ग्राउंडा बना रहे हैं। हाँ जी। तुम कि ग्राउंड च खेडना पसंद करोगे? ये वाली। अच्छा, ये वाली ग्राउंड च खेडना पसंद करो। बेटे तुम क्यों इस ग्राउंड में खेडना पसंद करते जी? क्योंकि मेरे पापा भी इतने खेडते होंगे, ये बहुत पुरानी ग्राउंड है, आप भी इतने खेडना चाहते हैं। सरपंच साहब, ये स्टंट बनाया जा रहा कि पंचायती जमीन जी है ग्राउंड है कि जहाँ ग्राउंड बनाई जा रही है? देखो जी, ग्राउंड तो नहीं, अभी बगदी देखी है। ठीक है ठीक है। पहला चिंगण खुरदे दे बोली दे के उत्थे जिदा अपना पट्ठे हुए जा कणक हुई जिदा भी कोई सब्जियां हुई लाते हूँ दो तीन साल तो उन्होंने जिदा ग्राउंड के तौर पर उन्होंने पोल गड के है तो एग्रीकल्चर लैंड वो बाकी तो आप पहले देखे बगदी सी सारे पता। ठीक है। तो मौजूदा जिथे असं खड़े हाँ ग्राउंड जद्दी पुश्ती ग्राउंड ये 30 साल तो रजिस्टर्ड है यह ग्राउंड। ठीक। साढ़े पिंड प्रति सारे खेलते पमिया के झिंगड़ खुरद के खुण खुण खुरद के होर बाहरों आके भी मैच वगैरह जिदा इतने लगते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी ता। हाँ जी, इतने साडे नाल पिंड के नंबरदार भी मौजूद हैं, आओ उन्होंने भी असं गलबात करते हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। नंबरदार साहब की नाम जी? थोड़ा? मेरा नाम जनजीत सिंह जी। हाँ जी, जनजीत सिंह। जनजीत सिंह, की कहना जी थोड़ा इस विवाद बारे जी? मैं ये विवाद बारे कहना चाहता जी, मैं 1988 के नौजवान सभा का प्रधान से। हाँ जी। ठीक है जी। तो असं यी ग्राउंड है अपने नहरू युव केंद्र राही रजिस्टर्ड करवाई थी, डीसी सरदार मनोहर सिंह निग्गा से, उन्होंने यदा इंतकाल जरा जमीन का बतौर ग्राउंड कराता जी माल महकमे। ठीक है। फर्ज जी मैं अपने तौर पर वीडियो साहब ने भी देती है, वो गलत मुद्दा उधर बना रहे हैं जी। ठीक है। ये ग्राउंड अज तो तकरीबन 33 साल हो गए हैं जी मेरे इतने बने आए हैं जी। नंबरदार साहब, जी इस ग्राउंड खड़े है इतने शुरू तो लैके मैच होंगे आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, 10 टूरनामेंट होए आ, मेरा बेटा कनेडा वो करवाते रहे, रल मिल के सारे मुंडे। जो हरिंदरपाल सिंह सरपंच रहा 5 साल, मैंने 5 बारी इतने सम्मानित किया उन्होंने। हाँ जी। ठीक है। मेरे को फोटोग्राफ भी पाया इसे स्टेज से, सानू जो अपने इस ग्राउंड की ग्रांट भी गवर्नमेंट वालों आई आ, सानू सारा सम्मान मिले। इतों ही रस्साकसी की टीम जी साड़ी किला रायपुर जाती रही। हाँ जी। नंबरदार साहब, तुहाडे कहण दा मतलब वी जान बुझ के मुद्दा बनाया? जान बुझ के। हाँ जी, एक दो बंदे उन्होंने साडे पिंड विच अग लाई पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। हाँ जी। ठीक है। कोई इहो मुद्दा नहीं, कोई किसी किस्म का नहीं। हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही, आप कोई गलत नहीं, मैं लंबरदार होने ना, तो मैं किसी को वोटा नहीं लिया, बिल्कुल सही गल करूंगा। हाँ जी। ठीक है। जे तो गल की तो पूरा उतरूंगा। हाँ जी। ठीक है। साहब, ये देखिया कि देखने विच आया कि ये ऐसी मुद्दा बनाया जा रहा है उस ग्राउंड का, ये बारे तुहाडा की कहना जी? ये बारे इदा जी, पहला भी अगे 2 बारी झगड़ा कराता उन्होंने बंदे ने पिंड ऐसी धारा लवाई से, बीबी धनप्रीत कौर जी IPS SSB से, असं उन्होंने मिलकर वो कैंसल कराया केस। हाँ जी। ठीक है। तो अग लाने वाली गल है, बिल्कुल कोई किसी किस्म की गल नहीं। हाँ जी। ठीक। जा कोई दल आके कट्ठे करके रौला पा के पिंड हुल्लड़बाजी करके इदा कोई माहौल खराब ना ही कर देवे, ना ही कर दिता। यानी तुहाडे कहण दा मतलब शरारती अंसर ने जिहड़ा ये काम कर रहे? बिल्कुल शरारती, पढ़े लिखे शरारती है जी। अच्छा। हाँ जी, एक दिन पढ़ शरारती, पढ़े लिखे शरारती। इत्थे नंबरदार साहब का कहना है जी, पढ़े लिखे होर के भी ये शरारती अंसर हैं जो पिंड का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ਇਹਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2 ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛਿੱਦੜੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰਾਉਂਡ ਬਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬਾਈ ਯੋਗ ਆ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਹੀ ਆ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹ ਬਾਈ ਅਜਮੇਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ? ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ,
जिहड़ी मतलब की बोली ते चढ़ी जांदी आ ठीक है बाकी साडे सरपंच भाजी उहनां नूं बदनाम करनू कोई जिन्ना मर्जी बदनाम करी जावे पर असी तां कहिंदे आ कि बहुत कर्म वाला पिंड होगा जिथे इदां दे सरपंच पैदा होणगे आओ साडे नाल कुछ यूथ भी इत्थों दे नाल साडे मौजूद ने पिंड दे आओ उहनां दे नाल गल्लबात करदे आ भाजी सति श्रीकाल जी सति श्रीकाल जी की नाम भाजी अपना जी हरप्रीत सिंह हरप्रीत सिंह जी की कहना चाहोगे तुसीं इस विवाद बारे जी ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕੰਡ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ 8 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕੰਡ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਇਤਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਡਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੇੜ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ SCBC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾ ਜੱਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਊਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵੜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਜਾਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਖੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ SC ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖੁਣ ਖੁਰਦ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਡੇਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਨਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਛੁੱਟਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ ਐਵੇਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਨਰਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ
कि सानू ग्राउंड जां ते शिफ्ट करती जाए कि जां दोने रखती जान जिदा भी इन्होंने कोई मैटर रखा होएगा। वो सारे पंच साहबान ने साइन किए, साढ़े पिंड के दो लंबड़ साहबान आ दोवां ने साइन किए जी। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। उन्हों का कहना है कि 32-34 साल तो यह जद्दी पुश्ती जी है ये ग्राउंड चलती आई है। उन्होंने भी साडा तुहाडे वल्लों कह रहे थे, उन्होंने भी साडा बहुत साथ दिता है, उन्होंने इत्थे बहुत आदर मान सन्मान भी स्टेजां दे उत्ते दिंदे रहे, साडा पूरा ही रल मिल के सारा काम करते रहे हैं। हुण कुछ शरारती अंसर जां तां लै लो कि इस नूं सियासी रंग दिता जा रहा और जां ये मतलब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन असी बोली दे के ट्रैक्टर लैके उत्थे वोण गए हैं तो साडा उन्होंने विरोध किया है, ये बारे तुहाडा की कहना है? सर जित तक ग्राउंड की गल है कि ठीक है, वो ग्राउंड हैगी 30-32 साल पुरानी हैगी। हाँ जी ग्राउंड हैगी, असं नहीं चाहते भी वो ग्राउंड नूं वालों कुछ किया जाए जां उन्हूं खत्म किया जाए। अज तो कहिंदे जी सद के उत्थे जिहड़े है खेलण वरती जाण, उन्हूं सानूं कोई तराजगी नहीं हैगी। दूजी गल साडी गल आ वी इक तो उत्थे लिंक रोड चलदा हैगा, बच्चे दूर उत्थों नहीं जा सकदे, छोटे छोटे बच्चे हैगे, इक सामने उहदे घर हैगा आ, उत्थे आम पार्किंग तुसीं देखिया उत्थे गड्डियां खड़ियां हुंदियां आ, उत्थे महीना महीना डेढ़ महीना तो उत्थे झुग्गियां वाले वल्लों रहि के जांदे उत्थे सारे मुंडे रहि के। जे उह ग्राउंड इस तरह चलदी होवे बच्चे खेड देण तो उत्थे झुग्गियां वाले बैठ क्यों ना बैठ क्यों बैठण, उत्थे ट्रक कि खड़े हूँ लोग उत्थे बजरी को लाउण। ठीक है ठीक है। दूसरी तुहानूं हुण मैं गल क्लीयर करना चाहुंदा, कुछ समा पहलां देखो जी साडे बच्चां च कुछ रंजिशबाजी चली सी, उहदे तहत साढ़िया 4-5 बच्चों ने साढ़े चलो अटैक भी किए, एससी एक्ट भी लगा उन्होंने लगा क्योंकि गलती उन्होंने सी, करके साडे बच्चे सेफ नहीं है जी, क्लीयर करके शड्यूल्ड कास्ट बच्चे उत्थे जाना साढ़े लिए सेफ नहीं है। ठीक है ठीक है। पिंड की शांति वास्ते पिंड की मतलब कोई शांति भंग ना वो लैके एक बचाव का पक्ष कढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। चार क साल तो सोचा भी नहीं यार इदा नहीं होनी चाहिए, चलो असं एक पिंड रही शांति होनी चाहिए आ, एक उपराला किया। रोमी जी उस पार्टी का कहना हैगा जी जी ग्राउंड हैगी 35 साल तो अनरजिस्टर्ड ग्राउंड है, जी ये वाहन वाली जमीन है, तुहाडे कोई एविडेंस जां कोई तुहाडे को कागज हैगा कि यह ग्राउंड है? सर वो जी 30-35 साल तो ग्राउंड वो भी खेत ही सगा जी, वो भी एग्रीकल्चर लैंड ही सी, वो भी पंचायत ने मता पा के ही छड़ी आ, असं भी मता पा के दिता है भी सानू ये ग्राउंड दी जाए। ठीक है। पिंड में दो शमशान घाट दो गुरुद्वारे हो सकते हैं, कि यह शड्यूल्ड कास्टा वास्ते कानून सानू मतलब चेते कराउंदे आ कि साडे बच्चे इत्थे खेल नहीं सकते, ये जी गल आ उन्हां दी गंदी मानसिकता मैं कहूँगा भी वो जी मतलब उन्हें दिमाग से बोल रही आज साडे बच्चे इत्थे नशे तों बच के इत्थे खेल रहे तो यह हुण सानू कानून दसणगे फिर तुहाडे कोल कोई सबूत हैगा? सबूत की है एग्रीकल्चर लैंड पंचायत ने मता पा के तो ग्राउंड बन गई, असं भी यही रिक्वेस्ट की उन्होंने अगे। ठीक है ठीक है ना, भी साड़ी सानू खेलने वास्ते ग्राउंड दी जाए, साडे वास्ते क्यों यह जी गल्लां कीतियां जा रही हैं? ठीक है ठीक। साडे बच्चे जिहड़े हैगे आ मतलब इन्हां नूं मतलब ठीक नहीं लगते हैगे, पंचायत ने ही रेजोल्यूशन पा के दिता भी इन्हूं ग्राउंड बना दी जाए, असीं उह रेजोल्यूशन पवा के वीडियो साहब तां ही SDM साहब दे चुके हां। ठीक है जी। जिहड़ी गल मंजूरी दी हैगी उह प्रशासन करे, साड़ी पूरे सानू ग्राउंड दिती जावे। मैं सर तुहाडे माध्यम तों दसना चाहुंदा आ इह एज इट इज ग्राउंड ते ग्राउंड ही रहेगी। ठीक है जी। साडी समूह SC भाईचारा जनरल भाईचारा दी मतलब मंग आ जे सानू इह ग्राउंड नहीं दिती जाऊगी ते वड्डे लैवल ते असीं इत्थे संघर्ष करांगे जी, वड्डे लैवल साडी जथेबंदियां इत्थे आउणगियां, दलित जथेबंदियां आउणगियां। ठीक है जे इत्थे बौण आउणगे ते असीं पूरा मतलब विरोध करांगे। ठीक ये साडी मतलब असीं तुहानूं अज असीं दस रहे मीडिया तुहाडे मीडिया दस रहे हैं। ठीक है। सरदार जी की नाम जी अपना? मेरा हरिंद्रपाल सिंह गिल जी, सनी झंगड़ भी कहिंदे मैनूं छोटा नाम। हाँ जी हाँ जी। तो सर जी अपना की अहुदा जी? मैं जी सकत्तर जनरल हाँ जिला श्रोमणी अकाली दल शहरी का, अकाली वाजपाई के नाल मैं कम करता। ठीक है। तो सरदार जी जिहड़ा ये ग्राउंड का विवाद है चल रहा अपने पिंड दे विच, इहदे बारे तुहाडा की कहना शॉर्ट दे विच जी? विवाद कोई नहीं जी, एक ग्राउंड उधर पहला हैगी आ। हाँ जी। तो उहदे विच पिछले समय च कोई टैक्नीकल कमियां सीगियां कि उत्थे 8-10 घरां दा सीवरेज दा पानी आउंदा सी, गलियां नालियां नहीं बणियां सी, सड़क भी सारी टुट्टी पई सी, उहदा डॉक्यूमेंटरी प्रूफ आया और इहदियां पिक्चरां भी हैगियां ने। तो उहदे रीज़न करके ही बच्चियां ने इधर ग्राउंड लै के खेडना शुरू किया जी। ठीक है। तो 3 साल तो इन्हां ने डिवेलप की है, तो उस तो बाद इहोजा माहौल चेंज होया कि उधरले भी सारे बच्चे इधर खेडण आउण लग पए, तुसीं देख ही लिया बच्चे किन्ने खेड रहे इत्थे। तो साडा गुआढ़ी पिंड पमें आ, उत्थे दे बच्चे भी इस ग्राउंड च आउण लग पए जदों कि उन्हां नूं वो ग्राउंड पैंदी आ, पर उत्थे गंदगी पई रहिंदी सीगी इस करके वो उत्थे जाणो बंद हो गए सीगे जी। तो इन्हां ने इन्हां वीरां ने जिहड़े नौजवान हैगे आ इन्हां ने वो एक मिसअंडरसटैंडिंग च इन्हां ने एक लैटर लिखता कि
कि सानू ग्राउंड जां ते शिफ्ट करती जावे दोनों रखती जान जिदा भी इन्होंने कोई मैटर रखा होएगा वो सारे पंच साहबान ने साइन किए साढ़े पिंड के दो लंबड़ साहबान दोवे ने साइन किए जी ये मैनू भी तुरे जाते मिले आ कि भाजी आ साइन करो असी ग्राउंड लिए साइन कराने असी भी कर दते जिहड़े कोल भी आते उन्हें करी जाते ठीक है ठीक फिर उस तो बाद जी कि उस पास्यों जिहड़े कुछ जिहड़े कि नवे प्लेयर तो सारे इत्थे ही आउंदे आ जी जिहड़े कुछ एक्स प्लेयर सीगे कोई 40-45 साल वाले या 50 साल वाले उन्होंने कुछ 8-10 जणे ने इतराज़ किया कि असी इधरली ग्राउंड च ही खेलना आ तो असी उन्होंने कहा कि सानू कोई इतराज़ नहीं कि तुम उधरली ग्राउंड च भी खेडी जावो असी उधर भी मदद करांगे तो असी इधर जी नवी ग्राउंड डिवेलप की है इन छोटे बच्चों लिए छड़ता जाए क्योंकि एज का डिफरेंस बहुत आ हुण असी जाके देखिया कि जदों कि इन्हें एप्लीकेशन लिखी आ उन्होंने दिनों फिर उन्हें उस ग्राउंड को साफ किया उस तो पहलों फोटोग्राफ्स सारिया पईयां कि उत्थे भांग उगी हुई सी इट्टा रखिया हुई सी टक खड़े सीगे तो उत्थे कोई खेडन वाला कोई नज़ारा नहीं सीगा जी ये जो ग्राउंड का मसला पिछले 10 दिन तो साढ़े पिंड भख रहा उसके बारे तुहानूं थोड़ी जी जानकारी देवांगा जरूर जी इदा जी साढ़े इतने दो एकड़ आ जी एक जनरल चलता आ रहा पिछले 40 साल तो एक एससी चलता आ रहा जी चढ़ते पासे एससी दसिया जाता लेंदे पासे जनरल जो कि पंचायत सैकटरी के रजिस्टर लिखा हुआ ठीक है पिछले सालों तो असी एससी एकड़ जिहड़ा आ बोली तो लै रहे हैं तो उस तो जिहड़ा सन 2020 की होया कि जनरल किला किसी ने नहीं लिया क्योंकि इतने पानी का कोई साधन नहीं आ खेती होंगी नहीं आ सारे पासे शौदा आ तो असी एक एकड़ ग्राउंड बना ले सी पिछले साल सानू पंचायत ने जबरदस्ती एक महीने बाद साढ़े को 12,000 लैके कहिंदे यार ये भी लै लो तुसी भाई ग्राउंड बना लो भाई वड्डी करके खेडो हुण असी एक साल च इहदे ते भी पैसे इनवैसट किए पिछले 3 साल तो उहदे ते भी किए हुण इस साल की होया है कि पंचायत नूं असी एक मता पा के दिता कि सानू ये जिहड़ी ग्राउंड आ ये असी बोली ते नहीं लैना चाहुंदे सानू पंचायत वल्लों यह फ्री छड्डी जावे क्योंकि पंचायत जे एक मता पा दे तो पंचायत प्रशासन कोलों ये लिखा सकती है कि हाँ ये साढ़े पिंड नूं ग्राउंड की लोड़ है दिती जाए वीर जी जे देखा जाए तो इन्हूं फिर लीगल हजे कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि जे असी ग्राउंड मन लईए अपने तौर पर मन लईए है ना ठीक है ना जदों तो ये होएगी ग्राउंड उदों ही ग्राउंड मन्नांगे ना देखो जी जदों तो असी पहल करांगे तो सानू फिर ही ग्राउंड मिलेगी ना असी इस साल ये पहल ही की है कि इन्हूं ग्राउंड लैना जे असी लिख के देंगे असी एप्लीकेशन देवे फिर ही इन्हूं ग्राउंड बना सरकार ने अपने आप थोड़ी कुछ भी देना जे असी मंगते हैं कुछ तो फिर ही मिलना ठीक है तो इस करके असी मंग की है जी प्रशासन तो पंचायत को लिखती चिट्ठिया दित्तियां वीडियो साहब ने भी दी SDM साहब ने भी दी DC साहब ने भी दी है जे ये तो प्रशासन साड़ी मदद कर देगा तो बहुत वधिया नहीं तो असी इस संघर्ष को लंबा लैके जावांगे बच्चों की खातर आने वाले भविष्य खातर सरकार कहती है कि नौजवान पीढ़ी को नशियां तो दूर करना जे वो नौजवान पीढ़ी लई 2 एकड़ ग्राउंड नहीं दे सकती तो दसो बच्चे किवें नशियां तो दूर हो सकते हैं ठीक है तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी इत्थे असीं दोनों ही तरह की गलबात सुनी है जिदे विचों हुण सिट्टा तो दुनिया ने आप ही कढ लेना हैगा है और एक चीज़ देखण विच आई है कि अगर देखा जाए तो पिंड दे मसले पिंड विच ही हल कर लेने चाहिए हैं पब्लिक स्पोर्ट न्यूज़ फॉक्स ब्यूरो दे नाल मैं परशोत्तम खालसा धन्यवाद जी।